हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है आज के फैंटेसी मैच प्रीव्यू में। बात करेंगे मुंबई वर्सेस राजस्थान के मैच पर, उससे पहले फैन टू प्ले लीडरबोर्ड पर जहां पे टॉप थ्री विनर्स जाएंगे ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप देखने। उसके अलावा होंगे ढेर सारे कैश प्राइजेस और हर 15 दिन आपको ये मौका मिलेगा क्योंकि ये लीडर बोर्ड होगा 4 बार रिफ्रेश पूरे IPL सीजन में। तो जल्दी जाइए और हर मैच में 25 टीम्स बनाइए और ढेर सारे प्राइजेस जीतिए। अब आते हैं आज की टीम पर। मैंने लिए हैं 3 कीपर, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 3 बॉलर। काफ़ी सारा लॉजिक DY पाटिल पर खेला जाएगा ये गेम, जहां पर एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम था, दूसरी तरफ एक मैच था जहां पर स्कोर थोड़ा ठीक ठाक ही था। बट ये बात एक कॉमन जो चीज़ थी दोनों मैचेस में, स्टार्ट में सीम मूवमेंट ज़रूर था और वो हिसाब से ये टीम बनाई गई है। पहले चर्चा करेंगे आज के बल्लेबाजों पर और कीपर्स पर। तो मेरे 3 कीपर्स होंगे जॉस बटलर, संजू सैमसन और ईशन किशन। अब तीनों ने पहले मैच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी पारियां खेली हैं, मतलब फॉर्म में तो है ही। बट एक बात याद रखने लायक, ईशन किशन और जॉस बटलर दोनों को स्टार्टिंग में अपने इनिंग्स में एक मौका मिला था। अब अगर इस पिच पर सीम मूवमेंट होगी तो वापस वो मौका ज़रूर बन सकता है, ये लोग जल्दी आउट भी हो सकते हैं। बट आप क्या उनको अपने स्मॉल लीग टीम से निकालोगे उस वजह से? नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्की। बट कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी ना देकर आप वो रिस्क थोड़ा सा न्यूट्रलाइज भी कर सकते हो। फिर मेरे 3 बैटर्स इस मैच में शिमरन हेटमायर, देवदत्त पदिकल, दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में लगे, और रोहित शर्मा, जिनको एक काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिला। कन्वर्ट तो नहीं कर पाए बट बड़े खिलाड़ी है, कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहे मेरे कीपर्स और बैटर्स। अब बात करते हैं अगले सेक्शन पर। अब चलते हैं बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पर। 2 ऑलराउंडर्स लिए हैं डैनियल सैम्स, टिम डेविड। डैनियल सैम्स पहले मैच में पहले बॉल पर आकर 6 लगा कर गए, बॉलिंग में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। बट याद रखिएगा, पहले इनिंग्स में अगर ये बॉलिंग करेंगे तो बहुत अच्छे विकल्प बन जाएंगे डेथ ओवर्स में। साथ साथ GL की कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी की अच्छी चॉइस। सेकेंड पिक टिम डेविड, बहुत ही बड़े हिटर है, डाउन दी ऑर्डर फिनिशर है, जो थोड़े बहुत बॉल खेलने को मिले उन गेंदों में उन्होंने काफ़ी सबको प्रभावित किया। फिर आते हैं 3 बॉलर्स पर। 3 बॉलर्स इस मैच में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल। अब जैसे मैंने कहा, सीम मूवमेंट यहाँ पर ज़रूर हो सकती है स्टार्ट में, जिसका क्या मतलब है कि जो भी पहले बॉलिंग करेगा, अगर बुमराह तो वो मेरे कप्तान, अगर बोल्ट तो वो मेरे कप्तान और दूसरे बॉलर मेरे उप कप्तान। अब इसका यही रीज़न है कि अप फ्रंट सीम मूवमेंट में तो विकेट्स लेकर ही जाएंगे, साथ में डेथ पर भी काफ़ी किफ़ायती निकल कर आ सकते हैं ये दोनों बॉलर। दोनों मुंबई की पिचेस को तो जानते ही हैं, आप ज़रूर जानते हैं मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ। और साथ साथ आप ये भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर GL में आप किशन या बटलर पर चांस लेना चाह सकते हैं तो आप वो ज़रूर ले सकते हैं, बट स्मॉल लीग में आई थिंक ये टीम अच्छी रहेगी। आप देख सकते हैं अभी भी क्रेडिट्स बच रहे हैं, तो आप भी जाइए और अपनी टीम ज़रूर पिक करिए। अब आते हैं फैन टू प्ले चैलेंज सेक्शन पर, जहां आप 2, 3 या 4 प्लेयर के साथ भी अपनी टीम बना सकते हो। मेरे 2 पिक्स इस मैच में डैनियल सैम, शिमरन हेटमायर। ये बार थोड़ा रिस्की जा रहा हूं मैं, क्योंकि हमने देखा है इन पिचेस पर मिडल ऑर्डर्स में बैटिंग काफ़ी आसान हो रही है। तो ये है मेरे 2 पिक्स, आप भी जल्दी जाइए और अपनी पिक्स करिए।